जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसी सड़कें हैं जहां लोग आवागमन बहुत कठिनाइयों से करते हैं। ऐसा ही नजारा फतेहपुर प्रखंड के कोड़ा पाड़ा मोड़ से लेकर बड़ा आसना गांव तक ही की सड़क है, जहां लोग सड़क पर नहीं बल्कि सड़क के किनारे पगडंडियों से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। सूत्रों की माने तो 3 दशकों से अधूरी पड़ी ये सड़क सरकारी खाते में भले पूर्ण हो चुकी हो, लेकिन सरजमीन पर सड़क का निर्माण आज भी अधूरा है। सवाल सिस्टम पर, सवाल सरकार पर, लेकिन बहरहाल इस जर्जर सड़क का मुआयना करने की जहमत भला कौन उठाए। गरीब जनता लाचारी और बेबसी में इसी रास्ते से मजबूरन आवाजाही करते हैं। सूत्र बताते हैं कि कोड़ापाड़ा मोड़ से लेकर बड़ा आसना गांव तक की सड़क बोल्डर से भरी पड़ी है। सड़क बरसों से ऐसी स्थिति में है, जिस वजह से इस सड़क पर वाहनों का आवागमन भी नहीं होता। आम लोग चलते हैं तो ठोकर से चोटिल हो जाते हैं, इसलिए सड़कों की पगडंडियों को ही अपना रास्ता बना लिया है। क्षेत्र से कई विधायक, मंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जैसे पदों को सुशोभित कर चुके हैं, लेकिन सड़कों की दशा सुधारने में किसी राजनेता ने अपनी रुचि नहीं दिखाई। बहरहाल नेताजी अगर जनता की पीड़ा को समझकर इस सड़क का जीर्णोद्धार करवा देते तो लोगों की न सिर्फ परेशानी दूर होगी बल्कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार का कुछ काम ग्रामीणों को राहत दे जाता। जामताड़ा से गौतम की रिपोर्ट। 10 वर्षों से बहुत ही बदहाल स्थिति में है इस सड़क से हम लोग को गुजरने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग आना जाना इस सड़क से बंद कर चुके हैं। ये सड़क लगभग 20 आदिवासी गांवों को जोड़ता है और 2 पंचायत को भी जोड़ता है, सिमला डंगल और बनंदजा पंचायत। इसमें से लगभग हर वक्त 100-200 बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल जाने में भी तकलीफ होता है। आने जाने वाले राहगीरों को भी बहुत तकलीफ होती है। जो बड़े बड़े बोल्डर बिछा हुआ छुटा हुआ है और उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग बहुत जनप्रतिनिधियों को बहुत बार मौखिक रूप से भी कहे हैं और लिखित रूप से भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।